जनपद संभल के चंदोसी के गुमथल रोड पर एक साल से बंद पड़े बर्फ प्लांट में बल्ब चेक करते समय अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। हादसे में बल्ब प्लांट मालिक और उसके बेटे सहित 3 लोग झुलस गए। सभी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्लांट मालिक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। चंदोसी निवासी योगेंद्र कुमार का गुमथल मार्ग पर बर्फ की सिल्ली बनाने का प्लांट है। मंगलवार की दोपहर करीब 2:30 बजे योगेंद्र कुमार अपने बेटे विशाल के साथ प्लांट पहुंचे। वे प्लांट में लगी चीलिंग मशीन के बल्ब चेक कर रहे थे। इस दौरान बल्ब लीक हो गया और अमोनिया गैस की चपेट में आने से योगेंद्र कुमार व उनका बेटा विशाल और चौकीदार नन्हे झुलस गए। चौकीदार के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए और आनंद फानन में घायलों को चंदोसी के पार्थ अस्पताल ले गए। सूचना पर अन्य परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। चिकित्सकों ने बर्फ प्लांट मालिक योगेंद्र कुमार की हालत चिंताजनक बताई है। सर, गुमथल रोड पर एक बर्फ फैक्ट्री में कुछ अमोनिया गैस का कुछ पाइप वाइप फटा था, क्या है पूरा मामला? ये जो है दिनांक 9 तारीख को लगभग 5 बजे मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिली कि गुमथल रोड पर मिनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक बर्फ की फैक्ट्री है, उसमें जो है अमोनिया लीक होने से 2-3 लोग घायल हो गए। तो तुरंत ही मैंने फायर स्टेशन चंदोसी से जो नज़दीकी है अपनी यूनिट को भेजा और मैं स्वयं आया और आके वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ अमोनिया लीक हो रही थी। फिर हमने अपने फायर टेंडर की सहायता से उसको लीकेज को बंद करा, अपने सुरक्षा उपकरणों को पहनते हुए अपनाते हुए पूरी अमोनिया को लीकेज बंद करा, एलपी सिलेंडर बाहर निकाला और खाली सिलेंडरों को बाहर निकाला। उसके बाद वहाँ से ज्ञात हुआ कि 3 लोग इसमें घायल हुए हैं, तो मैं पार्थ हॉस्पिटल में गया तो वहाँ जाके मैंने नोट किया तो उसमें फैक्ट्री के मालिक योगेश, उनकी एज लगभग 65 साल थी, उनका बेटा विशाल और एक उनका नौकर था नंदन, ये 3 लोग जो हैं जख्मी हो गए। योगेश के चेहरे पे और उनके बेटे के हाथों पे और नन्हे के पैर जो है अमोनिया से काफ़ी झुलस गए। ये सारा जो है फायर सर्विस ने बहुत तीव्रता से और जो है बहुत तेज़ी से काम किया है, ये हिस्सा काम। तो जैसे ही बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर फायर के हिसाब से उनके पास जो सिस्टम होता है वो नहीं था, वहाँ नहीं था फायर का, उनके पास में कोई भी सिस्टम नहीं था, ना कोई उनके पास कोई NOC वगैरह थी। इस संबंध में उनसे जो है जानकारी लिया जाऊँ कि खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई की।